गाइस हमेशा की तरह हम लोग फिर से लेट हो गए जाने में। हाँ काशिप भाई, हमारी ट्रेन 15 मिनट में निकलने वाली है। क्या ऐसे लेट हुआ है? काशिप की वजह से लेट हुआ है, मेरी वजह से लेट हुआ है। काशिप भाई, मैं सुबह से हम लोग अकेले को नहीं बोलेंगे, तुम लोग दोनों एक ही है। हम लोग अब वो एक यूनिट है, इसमें एक यूनिट नहीं है। अच्छा तो हमको यकीन मानो। जिशान भाई, आपने को कितना टाइम हो गया अभी? क्या बोलते हैं, 25 मिनट में अपने पहुंचने नहीं पहुंचे, ट्रेन छूटी है, एक तो टिकट भी नहीं है। मेरे टैलेंट वाले, ये मेरे टैलेंट वाला, हम वापिस मेरे टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे गाइस, और इंशाल्लाह हम फिर से बैठ के जाएंगे। दो टिकट पे 6 लोग जा रहे हैं। 6 लोग? हाँ, 6, 7 लोग, 7 लोग, 7 लोग। दो लोग के लिए टिकट हो। ईशान भाई, तुम, मैं, अमरेश भाई, जाहिद, 5, मम्मी, अक्षय, 7। अच्छा मुस्तजाब को भी काउंट कर रहे हो? नहीं नहीं, बड़े 8 है, मुस्तजाब को मिला के 9 है। तुम अपने आप को काउंट नहीं कर रहे? करा ना। सही बात है, सही बात है, सही बोले काशिप भाई। तुम मुस्तजाब को भी बड़ा समझ रहे हो, ठीक है। तो गाइस बस अल्लाह से दुआ कर रहा है हम लोग के जल्दी पहुंच जाए, नहीं पहुंचे तो हम लोग वापस से घर के लिए निकल जाएंगे। नहीं नहीं, जाना ही अजमेर जाना है। तो पैदल जाओगी? कार से जाएंगे, बाहर होंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, स्लीपर। ठीक है ठीक है। So guys, हमारी ट्रेन को चलने में 7 मिनट बाकी है और हम एज यूजुअल एकदम ऑन टाइम पहुंचने वाले हैं। जैसी ट्रेन चलेगी और हम लोग पहुंचेंगे शायद से, या तो फिर ऐसा होगा मुस्तजा मम्मी के साथ में जाएगा और हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। बच्ची अपन फ्लाइट से जाएंगे फिर, इंशाल्लाह आज ही जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होएगा। अभी ट्रैफिक लगा है, अभी भी आगे बहुत ट्रैफिक है। ये देखो पूरा ट्रैफिक में हम फंसे हुए हैं। तुम इस बारे में? अरे टेंशन हो रहा है, कैमरा बंद कर रहे टेंशन हो रहा है कैमरा बंद कर, लेकिन हम पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो बाग बाग के हम लोग पकड़ लिए, ये देखो यहाँ पे इस हम लोग ट्रेन में पहुंच गए। मम्मी क्या बोल रहे? ट्रेन ही छूट जाती थी, हम लोग जनरली भैया को बोले दौड़ाओ, दौड़ाया उसने गाड़ी, बोले ट्रेन ही खड़ी, बोले भैया बोला ट्रेन खड़ी है, देखो तुम्हारी जल्दी निकलो। इतना भाग भाग के हम लोग आए, बाप रे बाप, हम लोग तो और भी ज्यादा भाग भाग के आए। मुस्तजाब की फर्स्ट ट्रिप है ट्रेन में, कहीं ऐसा बाहर जा रहा है। अल्लाह का शुक्र, ख्वाजा जी ने बुलाया है। हम पहले वहाँ जाके क्या करेंगे मम्मी? सबसे पहले हम लोग नमाज पढ़ेंगे। तो चलो अभी थोड़ा सुकून में बैठ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी भाई लोग टीटी से बात कर रहे हैं, टिकट हो गया। गाइस अक्षत के ब्लॉग में आप लोग देख रहे हैं, मैंने टीसी को अरेंज करके टिकट दिला दिया हूँ। तो गाइस यहाँ पर अभी बहुत बड़ा हादसा है, यहाँ पे काशिप भाई बातचीत करके ले लिए, हो गया मस्त। अभी सुकून में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, और कोई टाइम में, हाँ पापा आ जाओ, टाइम में अभी सीट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को भी सीट मिलेगी? हाँ, मिलेगी, सब मिलेगी। अगर थोड़ा लेट में थोड़ा लेट हुआ हो गाइस तो इंशाल्लाह मैं सीट भी दिला दूंगा। हमारी दोनों लेडीज को तो सीट मिल गई, अब हम भाइयों के लिए भी सीट। हाँ, दो लेडीज है। तुम खुद को भूल के जहाँ रुइना सिर्फ आई थी, खाना दी, अल्हम्दुलिल्लाह चले गए गाइस। अब इंशाल्लाह हम लोग डायरेक्ट अजमेर। हाँ बराबर, ये रुइना नहीं आई? नहीं, वो खाना देने आए थे। गए ना, अल्लाह का शुक्र है गाइस। अब हम खाना खाना शुरू करने वाले, बहुत भूख लग रही है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे जा रुकेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। मम्मी सलाम अलैकुम, मम्मी सलाम अलैकुम, कैमरे में आप दिखाओ। सो अलग 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 शुक्र है गाइस। अभी हमने खाना भी खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। मम्मी आपका पेट भरा? मौसम कैसा है, मतलब गर्मी हो रही है, ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है। और हमने सबसे जरूरी चीज लाना भूल गए, वो क्या मम्मी? चादर। हम में से चादर किसी ने भी नहीं लाया है, और हम सब में भाई सबसे ज्यादा आराम कर रहे हैं। भाई ने आराम से, दोनों भाई साथ में मस्त एकदम सीट पे लेट चुके। हाउ वाज आवर ट्रिप? एकदम बोले तो एकदम बहुत बेकार है ना, ठीक है, यहाँ पे खड़ा रहना पड़ रहा है। हम लड़के है ना गाइस, इसलिए हमको खड़ा रहना पड़ेगा। उधर भी मम्मी उठ के बैठे खाने का हाथ धोए, इसलिए हम बैठ गए, वरना मम्मी भी लेटे हुए, हमको जगह नहीं मिली थी। आयफा आयफा कुछ तो रिस्पॉन्स दो आयफा, तुम एक्साइटमेंट है? नहीं है, दो तीन दिन से मेरी तबीयत कितनी खराब है काशिप। बहुत गाइस, दो तीन दिन से तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, तो और
पे सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे काशी देख रहे हैं कब आएगा, राजस्थान कब आएगा और अजमेर कभी आएगा, सब डिस्कशन कर रहे हैं बड़े लोग बैठ के यहाँ पे। और यहाँ पे ये अभी पूछे टैक्सी वाले से, टैक्सी वाला अपना रिश्तेदार लगता है ना, टैक्सी वाला बताएगा देखो क्या भाई यहाँ भूल के गए लेके आओ। वैसे ही वो टैक्सी वाले ने जिशान भाई से 100 रुपया ज्यादा लिया है। इन लोग ने ना टैक्सी की बात किए थे 250 रुपये में, 350 देखे हैं, 350 मार के काशी बोले भी खुशी में मारा मामूला, 1 मिनट पहले पहुंचा तो दिए, झूठ बोल रहा है, उज्जत करो दवा खड़े रहे। सुबह हो गई है और हम लोग एकदम मस्त बैठे हैं सब लोग, ये देखो मम्मी और जिशान इधर बैठे हैं, ये तो सुबह कब से हो गई है, और ये देखो जाहिद तो सोया ही नहीं है। हाँ जाहिद मेरी सुबह ही थी ना, वो काशिप का तो पेट ठीक रहा है, काशिप एकदम मस्त अभी तक सोए है, अभी तक उठे नहीं है, इस तरह दो सीट से हम लोग के पास 8 सीट हो गई, पूरी सीट खाली है, मस्त भाई है देखो ऊपर से झांक रहे हैं, खाली बच्ची पूरी ट्रेन खाली है कहीं पर भी, और अक्षत इधर सो रहा है। देखो अभी अभी हम लोग कितने बजे उतरेंगे रे, 2:30 बजे अभी कितने बजे रे, 10 बाप रे अभी सिर्फ 10 ही बजे, देखो अभी कब उतरेंगे, कब हम लोग जाएंगे होटल में, नहीं रे उठती हूँ रे उठती हूँ मैं जल्दी उठती हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, एट लास्ट हम लोग सब उठ चुके हैं और जिशान भाई भी यहाँ उठ चुके हैं और सबकी शिफ्ट चेंज हो गई है, जाहिद वहाँ सो रहा है, अक्षत वहाँ सो रहा है, जागे थे वो अभी सो रहे हैं, रात में तो ब्रो अपन सब जागे, सुबह 6 बजे तक के तो बिलाल और जाहिद जागे हुए थे, हाँ बहुत जागे हम लोग, उठा रहे थे बार बार मेरे को भी, नहीं लेकिन ऐसा हो गया ना कि हम लोग इंजॉय करने में इतना बिजी हो गया कि अपन कितने बजे जिशान भाई खाना निकाले थे हम लोग को ये पता था कि खाना खराब हो जाएगा तो हमने बोले खा के खत्म करो। बच्ची तुम क्या बोल रहे, कुछ नहीं मैं तो नींद में हूँ, चांद मुबारक तो बोलो कोई, चांद मुबारक मुस्तजा। यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं, ये देखो यहाँ पे हमारा सामान और यहाँ पे मुस्तजाब को लेके मम्मी खड़े हो गए हैं क्योंकि मुस्तजाब का भी है, मम्मी को वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहा है, नानी मुझे लेके चलो, ये देखो कैसा लद गया है, मुझ तो कहा जा रहे मामा, अच्छा भाई भी आ गया है वॉशरूम जाके, अरे तुमने मुस्तजाब का बताओ, हाँ तो मुस्तजाब का मैं ये बोल रही थी कि उसके सर में थोड़े डैंड्रफ ये सब हो गए थे ना और अट खुजली पुजली नहीं हुई थी तो इसलिए, और काफी टाइम से उसको करवाना भी था, बहुत टाइम हो गया उसको टकला नहीं कराया तो काशिफ ने करवा के टकला कराया, कैसा आईफा बताओ कैसा, तुमको पता था वो टकला हो रहा है, तुमको पता था मुस्तजाब टकला हुआ, सबसे पहले मैंने अवरेश भाई को कॉल किया लेकिन हाँ। भाई गाड़ी चला रहे थे देख के शौक, बोला अरे कांचा ची ना टकला क्या हो गया उसको, निशान देखो कैसे लगा मुस्तजाब टकले में, अच्छा लगा स्मार्ट दिख रहे मेरा बेटा है हमेशा स्मार्ट ही दिखेगा काशी, तो तुम भी टकली हो जाओ इस बात पे, हमेशा स्मार्ट दिखेगी तुम्हें, नहीं ना तुम भी स्मार्ट दिखोगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपन पहुंचने वाले हैं, नहीं नहीं अपन पहुंचने वाले नहीं उतरने वाले, झूठ बोल रहे, एक्साइटेड मुस्तु मुस्तु भाई, ट्रैवलिंग कैसी लगी तुमको सच बोल जाओ, सुकून वाली जिशान भाई जरा भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है जिशान भाई 5 बजे तक जाग रहे थे ना ब्रो, अच्छा और थोड़ा सा लेट आ जाओ मम्मी आप, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है तो अभी तक बैठे हुए थे, पहुंच गए हम सब लोग बाहर निकल गए, हम लोग निकलना बाकी है तो चलो हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं, अच्छा चले जाएंगे, पहले आप फ्रेश हो जाना फिर उसके बाद हम घूमने निकलेंगे, लेडीज को घर पे छोड़िए, मम्मी मुस्तफा और हाइपा को, ठीक है ये देखो यहाँ पे सब अपना अपना बैग लेके खड़े, ये सिंगल ये भी सिंगल, दिशान भी सिंगल, और ये देखो ये शादी शुदा का बैग है, सो गाइस सामान पड़ जाता है, हम पहुंच गए हैं अजमेर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्तजाब की फर्स्ट ट्रिप है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्तजाब बाकी पूरे रास्ते गाइस थोड़ा भी परेशान नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आया, और अब हम जाएंगे होटल जाके हम चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करेंगे
उसके बाद हम अजमेर एक्सप्लोर करने निकलेंगे, दरगाह जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सब करेंगे। और मैं अजमेर में भी हाइफा को टेस्टी टेस्टी खाना कहाँ मिलता है वो लेके जाके खिलाऊंगा। हाइफा खाओगे? इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली है और समथिंग गुड वी विल फाइंड एंड ईट। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। और गाइस 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 आगे का ब्लॉग कंटिन्यू देखना, बहुत मजा आने वाली है। अजमेर में हम कहाँ कहाँ गए वो